आशीर्वाद मिला, गुरु जी का ब्रेसलेट मिला। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और कैसे हैं आप? और उम्मीद करता हूँ सब लोग मजे में होंगे। और साथ साथ होली आने वाली है भाई, तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, घर रहना, बाहर मत जाना, उल्टे सीधे नशे मत करना। और एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप व्लॉग पूरा देखते हो, सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हो, प्लीज आप सब्सक्राइब करो। पापा, जो दो वाले सिलेंडर होते हैं ना, हाँ जी, तीन वाले सिलेंडर में आने लग गया है। कौन सा तीन वाले में? मतलब तीन वाले कैसे, बड़ा हो गया वो? वो थोड़ा बड़ा हो गया। और वो पापा यहाँ पे VIP रोड पे मिल रहा है, चाहिए तेरे को? हाँ जी। और एक कप भी है, उसके अंदर पानी डालोगे ना, अपने आप पानी आ जाएगा, अपने आप कलर हो जाएगा, और फिर मारो जितना मारना होली खेलो। हाँ जी। तो गाइज, आप लोगों के लिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं गोलू के बर्थडे के लिए, थैंक यू सो मच। और मैंने ना कुछ कमेंट निकाले भी हैं, कुछ कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगे। जैसे कि पहला ही कमेंट जो है वो है दक्षता शर्मा का, वो लिख रही है, कल गोलू दी का 31st बर्थडे था और ये व्लॉग 31 मिनट का बनाया, क्योंकि ये अरमान जी ने बनाया। अरमान जी ने बोला है कि ना, अब तुम्हारे साथ मैं हर जगह जाया करूंगा, क्योंकि ना बीच में इन्होंने व्लॉगिंग करना छोड़ ही दिया था। तो कह रहे कि नहीं, जब मुझे प्यार इतना मिलता है लोगों से, तो हम साथ ही व्लॉगिंग करेंगे। और भी कमेंट मैंने निकाले हैं, वो भी पढ़ के बताती हूँ। तो गाइस, मैंने पायल को बोला कि जब भी व्लॉग स्टार्ट करें ना सुबह सुबह, तो रोज ना 5 कमेंट तो पढ़ा ही करें कम से कम। जो लोग हमें रोज कमेंट करते हैं, तो एक थोड़ा सा ना एक्साइटमेंट रहती है लोगों को भी कि हमारा कमेंट पढ़ा है आपने, उसका जवाब दिया। तो डेली आज से जब भी हम व्लॉग शुरू करेंगे तो 5 कमेंट हम रीड करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट कमेंट है शास्त्री तिवारी का, वो लिख रही है, हर व्लॉग पे कमेंट करती हूँ, आप लोग कभी मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं। कल अरमान भैया ने बोला बच्चों के बर्थडे के लिए कोई आइडिया बताओ, तो मैंने बताया, फिर भी आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। मैंने उससे पहले भी आइडिया बताया था बच्चों के लिए, मैं 12th क्लास में हूँ, मेरे बोर्ड चल रहे हैं, फिर भी मैं आपको कमेंट कर रही हूँ, आप पढ़ते नहीं हो, इतनी इम्पोर्टेंस देती हूँ, कोई नहीं। आज लास्ट कमेंट है, आज से नहीं करूंगी, बस मेरा आइडिया है बच्चों के बर्थडे के दिन रुद्र अभिषेक करवाएं, क्योंकि इतनी खास मौका है, हर चीज भगवान में, भगवान को भी शामिल करिए, इस घर की सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। प्लीज 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 पंडित जी से पूछ लो, अगर वो नहीं भी बताते हैं तो मैं पंडित फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मलिक फैमिली आई। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा कमेंट किया है और बहुत अच्छी बात बताई है आपने। तो देखो, हमने बच्चों के लिए पहले भी एक महामृत्युंजय जाप करवाया था, क्योंकि उस टाइम हमारे बच्चे बहुत ज्यादा मतलब हॉस्पिटल में ही रहते थे। तो फिर हमें पंडित जी ने बताया कि आप ना बच्चों के लिए महामृत्युंजय जाप करा लो, तो वो हमने कराया था टचवुड। उसके बाद से ना बच्चे बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल हम अयान जैद तूगा, इवन चीकू के बर्थडे पे हमने सोचा है कि सुबह हम पूजा रखा करेंगे, और शाम को जो है जो भी हमें करना होगा वो हम करेंगे। तो नेक्स्ट कमेंट है निशा चौहान जी का, वो लिख रही है, अरमान भैया आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आप फालतू में पैसा वेस्ट नहीं करते हो, ना ही करने देते हो किसी और को, और अगर कोई गलत काम कर रहा है तो आप तुरंत रोकते हो। लगता ही नहीं कि हम व्लॉग देखते हैं, लगता है कि हम सामने ही हो रहा है और वो हम देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात लगती है ये। तो थैंक यू सो मच, और बिल्कुल सही कहा आपने, अरमान जी हमेशा ना पैसा बचाते हैं, मतलब हम लोग फिर भी खर्चा कर देते हैं, पर अरमान जी हमेशा सही चीज पे पैसा लगाते हैं, और इवन वो ना ज्यादा शॉपिंग करते हैं, ना मतलब बाहर का फूड भी कम खाते हैं, जब भी घर से ही खाना लेके जाते हैं, हमें भी यही बोलते हैं कि बाहर का ना खा के घर का खाओ। तो मतलब बहुत सारी चीजों में अरमान जी बहुत अच्छा करते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, इनका कोई नाम नहीं है, यूजर है, वो लिख रहे हैं, पायल बहुत अच्छी है, सब कुछ समझदारी से संभालती है, और गोलू और अरमान दोनों पायल से बहुत प्यार करते हैं, गोलू हर बात सुनती है पायल की, दोनों में बहुत प्यार है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला कि गोलू हमेशा हमेशा मेरी बात सुनती है, अगर मैंने उसको बोला ये नहीं करना तो वो नहीं करती, उसे पता है अगर पायल बोल रही हो तो सही बोल रही होगी, और ये दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट कमेंट है सुमन जी का, वो लिख रही है, आप जितना करते हो उतना एक आदमी एक पत्नी के लिए नहीं करता होगा, आप तो दोनों का इतना अच्छा ध्यान रखते हो। तो अरमान जी जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। देखो क्या ना कि ये बातें आपको समझ जाना चाहिए कि फ्यूचर में माँ बाप के बाद बीवी होती है, जिसका आप ध्यान रखो, आपका वंश आगे चलाती है, इतनी कड़क ठंड में सुबह आपके लिए चाय बनाती है। किसी दिन ना जब सर्दियों का माहौल हो तो 10 दिन के लिए ना बीवी के लिए सुबह उठ के खाना बना के देखना, कितना टफ जॉब होती है, और वो हमारे लिए हर चीज़ में खड़े रहते हैं। तो भाई तन मन धन सब कुछ अपनी फैमिली के लिए करो। तो गाइस, यहाँ पर हमारी बेटी उठ गई है और नहा धो के पूरी रेडी हो गई, तो मैंने पायल को बोला ऐसे मजाक में कि इसको काला टिक्का क्यों लगा रखा, पालो से देखो, लो लो जो लोग जाते मैं काकी को मैं बच्ची को, है ना, लग जाती है ना? हाँ लग जाती पापा, छुट्टी पे जाना सर।
इसको मीठा खिला लो, नहीं खाती, नहीं खाती, चटपटा खिला दो। जो हम खाते हैं ना, इसका अपना फूड ये कभी नहीं खाएगी। जो मम्मी पापा हम लोग खा रहे हो ना, वो इसको दे दो, ये खा ले। और तू? हाँ दे। तो भाई गाइस, इसको सोच रहे हम अगले महीने स्कूल भेज दें और वहाँ से पढ़ाई वढ़ाई करे अच्छी सी, ठीक है? समझदार हो गई है। समझदार तो वो, कल जैद की एक वीडियो देख रहा था मैं, छुपन छुपाई खेल रहे थे, जैद ने ना उसको ढूंढ लिया था, निक्की को या पर्दे के पीछे से ना, निक्की को। हाँ। तो यहाँ पे भाई बाप बेटे खेल रहे हैं शतरंज। चीकू ने गोटी तो सही लगाई, गुड्डू बिल्कुल। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सही लगाएगा, खेलना नहीं आता पर इसे। चीकू ये ना रानी है, ये यहाँ से पूरी सीधी कहीं भी चल सकती है, ठीक है? सामने साइड में कहीं भी, ठीक? वो तो बोल रहे पापा पहले रानी का रास्ता साफ करती है। चल भाई। अरे वाह भाई वाह, तुम उसे पागल समझ रहे हो गुड्डू? पागल नहीं, मैं चेक कर रहा था उसको आता है नहीं आता। पापा पीछे आ सकती है? ये कहीं भी घूम सकती है, आगे पीछे वापस वापस। घोड़ा भी कहीं भी घूम सकता है, हाथी भी कहीं भी घूम सकता है। हाथी तो सीधा चलता है। तो गाइस यहाँ पे तो मुझे लगता है एक डेढ़ घंटा जाएगा। दोनों बहुत अच्छा बेहतरीन खेल रहे हैं। मुझे ना चीकू पे बिल्कुल यकीन नहीं था कि चीकू को खेलना आता है, पर गुड्डू ऐसा लग रहा है ये गेम तो दो घंटे चलेगा आपका। मम्मा पापा के देखो कितने हैं मेरे काउंट, एक बार पापा के काउंट करो। चीकू इसमें काउंट नहीं करते, इसमें ना 1 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सही बोले पापा ने, 6 ईच। देखो लाइफ ना बहुत बड़ी होती है, और शतरंज देखो छोटी सी लग रही है आपको, हम ना यहाँ भी गलती कर देते हैं, तो लाइफ तो वैसे ही बहुत बड़ी है। तो जो भी करो सोच समझ के करो, जब भी हम चेस खेलते हैं ना, हमारी एक चाल ना सारी चीजें खराब कर देती है। समझ गए लाडो? लाडो ना नाई नाई गलिया लाडो ने, लाडो जब देखती है ना मुझे, तू बा चले बाहर घूमी चले। आज शेर को लेके जाऊंगी, कल अनु को लेके गई थी, आज शेर को, फिर जैदू भैया को, ठीक है? चलो बैठो, मैं नाई नाई करके आती हूँ, पकड़ियो। क्या हो गया? तो ये लड़की मुझे जाने नहीं देगी, याद है? अच्छा लग गई है, ये इसके साथ लग गई है, अभी इसके साथ खेल लेगी, खेल ले। भाई यहाँ पे गोलू जो है आज उठने का नाम नहीं ले रही है। गोलू खड़ी हो जा भाई, 11:30 हो गए, गोलू खड़ी हो। तो मैं 9 बजे से उठी हुई हूँ, मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो आज बहुत गहरी नींद में सोई। मैंने तेरे को फिर उठाया भी नहीं, मैंने कहा सोने दो उसे। चल मैं नहा के आती हूँ, फिर मैं बहुत सारे काम करके आने। होली आ रही है बच्चों की, पहली होली है, मैं कुछ करना है। मैंने तो अभी लगाया सुबह। अच्छा अभी लगाया, अभी बस सर धोने जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग कर दो सबको, कि आप राजा बाबू बन गए नहाई नहाई करके। राजा बाबू हाई फाई जिम्मी, हाई फाई बोल दो, हाई फाई हाई फाई अपने आप देगा हाई फाई। मेरा पारा बाबू हाई फाई करता है शिंद्रा। तो बच्चों को ना बचपन से ही पैसे और मार का पता होता है। देखो तू भाई, तो देखो आग बंद करती है, इसको पता है मारोगे नहीं। अब ये भाई पैरों में लगते हैं। हाँ ये पैरों में लगते हैं जब ये खेलते हैं ना, भाग के आते हैं इनसे दूर रहो। ये देखो तूबा तो बहुत ही ज्यादा। ओए तूबू इधर आओ। अच्छा मैं छुप जाता हूँ, ठीक है? आप छुपो। अच्छा मैं अभी तूबा को भी लेके आऊँ, मैं छुप रहा हूँ। बाय बाय। जय तू पापा कहाँ गए? पापा कहाँ गए? गुड्डू गाड़ी घुमा रहा है। गुड्डू गाड़ी घुमा ली, गुड्डू गाड़ी घुमा ली। कहाँ है पापा? गुड्डू आ गए आपके पास, जाओ कहाँ है पापा? ढूंढ लिया, छुपन छुपाई खेल रहे हो? हाँ सही है, ढूंढ लिया इसने पापा को। वॉकर में छुपन छुपाई खेलने का अलग ही। चल दोबारा छुपते, ठीक है? दोबारा जगह में छुपना ना, पूरा हिंट भी दिया करो बीच बीच में। हिंट इसको सब होता है। मुझे लगा पहले बाल है इसके पास, बाल नहीं है, टेबल को खींच रही थी। अच्छा तो तू बाहर, चलो आप भी चलो। चलो दोनों मम्मी पापा को ढूंढना है। चलो हम, मैं भी छुपूंगा, मैं छुप रहा हूँ, ठीक है? बाय। तूबा कहाँ गए पापा? तूबा कहाँ गए? आ गया गुड्डू, आ गया, दोनों आ गए। तूबा भी आई है। ढूंढ लिया। तो भाई देख लो, इतने समझदार बच्चे हैं हमारे। चलो मैं कह रही हूँ कि ना काम करूँ, तो इनको तो पता चल नहीं हम क्या बात कर रहे हैं। अभी ऐसे करके ना किचन की तरफ जाके फ्रिज के पीछे छुपू, मैं देखती हूँ वहाँ आते हैं कि नहीं आते। आओ तुम को लेकर आओ यार। पार यार एक बच्चा जब रह जाता है ना वो होता है। आज नहीं आए क्या वॉकर? एक वॉकर लेके आ रही हूँ आज मैं। नहीं आते हैं वॉकर। पैसे खराब मत कर, ऐसे मत बोलो। अब ये दो खेलते हैं तो एक रह जाता है। कोई बात नहीं, जगह भी नहीं हमारे घर में घूमने। बेटा आप बड़े हो गए ना, तो गाइस मैं छुप जाता हूँ, क्योंकि देखो इसका भी दिल करता है। कहाँ गए पापा? कहाँ गए चीकू? पापा कहाँ गए? देख जैद पहले आ गया था। कह रहे हो किचन में लेके छुप के तो आओ। चलो ठीक है, चलो तू पापा दे दो। 1 2 3 4 पापा का है। पापा पापा जैद पापा आवाज लगाना। पापा का है। ध्यान दे रहा, ध्यान दे रहा, ध्यान दे रहा, ध्यान दे रहा। देख 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 गाड़ी किचन में आ गई है, देखो।
गंदे लड़के ढूंढ लिया मुझे। तो बहुत सारे लोग ना कमेंट सुने थे मैंने कि आप गैर से ज्यादा प्यार करते हो, तो भाई मेरे तीनों बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके साथ ही ले लिया, अब इसके साथ छुपन छुपाई खेलते हैं एक बार है। तो भाई कल मैंने गोलू को एक गिफ्ट दिया था और बाहर से आए थे, तो देखो आज मुरझा गए तो आज डस्टबिन में चले जाएंगे। जितना भी हो सके ना पेड़ पौधे फूल गुलाब या फिर कुछ भी, उनको ना ऐसे यूज मत करो कि एक दिन या फिर थोड़ी देर का खुशी मिले। वो देखो आनू ढूंढ रहे हैं। आनू मेरे को ढूंढो प्लीज। आनू मम्मी का है, ढूंढ लिया। तो गाइस अभी मैं मिलवाने वाला हूँ हमारी माता जी से, जिसने अपसाना जी को जन्म दिया। और ये हमारी माता जी मम्मी की है ना। सत श्री अकाल जी सारिया नु। तुसी सानू देखदे हो? हां जी। ए ता ज्यादा बहुत ज्यादा ने मेनू कह रहे हैं मिला दो, मेनू ले चल, मेनू मिला दो। सब तो ज्यादा। अच्छा इस लड़के का टैलेंट सुन लो भाई, ये इतना खतरनाक तबला बबला बजाता और साथ में गाता भी है। दो लाइनें सुना दे, खाना खा के सुना दे, कोई भी सुना दे। मम्मी घर कब आ रहे हो? जब बुलाओगे बेटा। बुलाए आपका घर है, आप जब मर्जी आओ। बस ठीक है, कल ही तैयार हूँ बेटा, कल ही आ जाओ। लेकर आने मम्मी तो मेरी बहुत उतावली है। ठीक है मैं अपने बुला लूंगी। है मम्मी की बहन। अच्छा अच्छा, ये बहन सखी से यहाँ बने हुए हैं और जबरदस्त वाले मेरा बहुत प्यार किया, बहुत लहू पी दिया। मैं ये मानता हूँ जिंदगी में ना किस्मत देखो, माँ बाप होने चाहिए आपके पास कुछ ना, और जिनके पास है उनको कदर नहीं है। और जैसे अफसानों को पूरी कदर है, कुछ लोगों को नहीं है। कभी ये सोचो अफसानों को नहीं, अफसाना तो भैया देवी है ना। मैं करती हूँ, मम्मी बताएगी बहुत ज्यादा करती बेटा। अफसाना तो बिना मैं नहीं रह सकती, अफसाना मेरे तो बिना नहीं। ये होता प्यार। बाद ना कुछ कर रहे हैं उठे, फिर उठे रहना थोड़ा जा, मैं पतली कर दो पता। अरे मम्मी का घर है, बुलाना क्या है? जिम जाया करो सवेरे। मैं तो खुश हो जाऊंगा कि इनको सास मिल जाएगी। हाँ जी मैं सास बनूंगी। हाँ। दोनों बेटियां दी, हाँ। नूहां दी, ते सास बन के भी दिखाऊंगी। मैं पहले गोद लेना पड़ेगा। हाँ जी उस तो बाद दसो हुक्म करो कदो गोद च बिठावा। मम्मी मेरी मैं तो किस्मत वाला हूँ कि देखो हमें रिश्ते मिल गए हैं और आज 14 साल हो गए अभी ना। मेरा भाई बाहर है ना, अभी भी रो रही थी। दो बैठी रो रही थी। खुदा बख्श, सारे मेरे खुदा बख्शी है। खुदा बख्श अज कल बड़ा बन गया ना अमरीका आले, ते कोले मेरे अरमान मलक, साज, तनवीर, नोनू, सोनू सब मेरे कोले है। और मेनू कुछ नहीं चाहिए, दान उदयवीर सब मेरे बच्चे। दो सुखना इधर होए आ पायल दे, चार ओ सॉरी तीन पायल दे बच्चे, एक मेरे छोटे पुत्र दा बच्चा। भाई टैलेंट ना रोम रोम में घुसा हुआ है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 2 महीने में सिंगर बन गया, 4 महीने में बन गया। अभी देख लो अभी से बच्चे शुरू हो गए गाना, और इनका जो भविष्य है वो भाई साहब खतरनाक होने वाला है। सीखा कोई ट्रेनिंग कोई प्रैक्टिस कुछ नहीं है ये भैया, रोम रोम में। हाँ भाई हो जाए लेजेंड हमारे वापस आ गए। भाई लेजेंड कभी मरते नहीं है, और वो देखो पाजी हमारे वापस आ गए हैं। दो लाइनें हो जाए कोई सी, पूरा खुल के आन दो आज। मेरा कोई सी क्या हुआ, बहुत बेहतरीन। भाई देखो ये विरासत से मिली हुई चीजें हैं और ये लाइफ टाइम चलती रही। जैसे देखो हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं आज के दिन ना, चीकू को विरासत से मिली। तो अफसाना की आवाज आने वाले टाइम में देखो अभी भी पूरी दुनिया सुन पा रही है, पर पंजाब की अफसाना देखो मैं बड़े बोल नहीं बोलूंगा, पर हमारे जो नुसरत फतेह अली खान साहब मतलब पूरी जिंदगी वो भी जिंदा रहेंगे, उनके गाने रिपीट पे रिपीट सुने जाते हैं। तो अफसाना की भी ऐसी आवाज है कि रिपीट के रिपीट सुने जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मतलब अफसाना की कोई बराबरी कर सकता गाने में। बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ी बात कोशिश है। देखो करते, देखो अफसाना तुम गाते हो हम सुनते हैं, तो हमें सुनना है ना, हम 10 बारी 100 बारी गाना सुन सकते हैं रिपीट में, तितलियां 1000 बारी सुन सकते हैं, कोई भी गाना उठा ले अच्छा लगता है। वैसे नुसरत जी के जो गाने आप रिपीट में सुनो पूरी जिंदगी सुनते रहो, अगर अभी भी चली जाता नीचे तो झूठ नहीं है, ऑडियंस कभी झूठ नहीं बोलती। बाकी गाइस आप भी कमेंट करके जरूर बताना जो बात मैंने बोली है वो सच है झूठ। थैंक यू सो मच, इतना प्यार, ब्लेसिंग। तो गाइस बहुत सुकून मिला
और बहुत अच्छा लगा गुरु जी का आशीर्वाद मिला हमें। उसके साथ साथ सबको यही कहना चाहूंगा कि भाई सभी धर्मों में यकीन करो, भगवान एक है, सबका मालिक एक है। और सबसे बड़ी बात है बच्चों ने बिल्कुल तंग नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। अभी भी देखो खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है घर जाते ही सो जाएंगे। देखो आसिम पाल, मुझे और आपको आशीर्वाद के लिए आशीर्वाद मिला, गुरु जी का ब्रेसलेट मिला और प्रसाद हम लेकर आए साथ में, ताकि हमारे घर पे टूबू को, चीकू को और जितने भी लोग हैं सबको खिलाऊं प्रसाद। तो गाइस जिसने अब तक होली वाला गाना नहीं सुना जाके सुन लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस होली ये वाला गाना फुल बजाना, बहुत अच्छा लगेगा हमें भी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्यार देते हो। पर इस गाने को इतना सुनो होली पे कि दिल खुश हो जाए। तो गाइस बच्चों ने आज फुल एंजॉय किया, बाबा जी के दर्शन किए और उसके साथ साथ थोड़ा सा आज बाहर घूमे और फुल एक्टिव लग रहे हैं। जाते वाइट वाइट और जाते सो जाए। चश्मा गंदे बाबू गोलू जो तूने सूट पहना ना, ये कलर का बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। अब ना नाइट में इसकी ग्रेस आ रही है। तेरा तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरी नाइट में ग्रेस आ रही है। सानू को अच्छा लगा था ना? हाँ, अब सानू ने बोला सेम ये वाला कलर चाहिए उसे। ठीक है, मंगवा दियो। तो मैं वो नूरे लाइट प्रीति जी को बोल दूंगी कि ये वाला सेम कलर अब सानू के लिए ऑर्डर कर। तो गाइस रात के बज चुके 12 और सारे बच्चे सो चुके 3। शांति मुझे कह रही है दीदी तुम ना धीरे बोलो। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, मैं धीरे बोलूं तो अभी यहाँ पे चल रही है सेटिंग, क्योंकि चिपके पापा बहुत सारे कपड़े लेकर आए थे और मैं और पायलवी, तो हमने सोचा है काम करते हैं सारे कपड़े अच्छे से सेट कर देते हैं और मेरे और पायल के भी सारे फैले पड़े हैं। तो गाइस यहाँ पर सारे मैंने अपने वन पीस लगा दिए, जितने भी वन पीस हुआ करेंगे ना सारे ये मेरे और पायल के सारे वन पीस है। और ये अभी रिसेंटली मुझे और पायल को दोनों को गिफ्ट मिला है एडिडास का वन पीस, और ये निष्ठा ने हमें दिया था। मैं सोच रही हूँ काम करती हूँ हैंगर बचा देती हूँ, इन दोनों को एक में शिफ्ट कर देती हूँ। तो गाइस ये कमरा ना बहुत ज्यादा कम पड़ रहा है, इसके अंदर सारे चीकू के पापा के कपड़े हैं। ये वाला सेक्शन मेरा है और ये वाला जो है ना ये वाला चीकू का है। तो मैं सोच रही हूँ काम करते एक कमरा और ऐसा रेडी कर देते हैं जिसके अंदर मेरा पायल और चीकू का हो, क्योंकि चीकू के पापा के कपड़े इतने सारे हैं ना उनको जगह नहीं मिलती हमारी वजह से। वैसे बनाया तो उन्होंने अपने लिए था, हमने बीच में इनका टांग अड़ा दी और हिस्सा मान लिया। तो थोड़े दिन में ज्यादा है तूबा भी तीनों सच्चे सो रहे, थोड़े दिन में ये भी बोलेंगे हमारा वार्डरोब का है। तूबा के तो मैंने वार्डरोब बनाया हुआ है, तूबा नहीं बोल सकती कि मेरा वार्डरोब का है। तूबा की मैंने इतनी प्यारी अलमारी बना रखी है ना, सारी तूबा की फ्रॉक्स है, सब कुछ सब तूबा का है। मैं चीकू के कपड़े निकालती हूँ, चीकू कपड़े छोटे कैसे हो गए, तो मैंने ये जायद और यान के लिए सेट लिया। कैसा लग रहा लक्ष्मी? मैंने पसंद किया था, अच्छा लग रहा ना, एकदम फंकी टाइप का। गोवा जाएंगे ना बच्चे अगले साल, इस साल लेके जाऊंगी बच्चों को गोवा। तो आज समझ नहीं आ रहा, अभी भी ये कपड़े पूरे पड़े हैं जो हमें लगाने हैं इस साइड पे भी, और एक पूरा बेड भरा पड़ा है, उसका तो समझ ही नहीं है कि ये कपड़े जाएंगे कहाँ पे। अभी मैं से कपड़े निकाल रही हूँ कि जो कपड़े लगने हैं। तो गाइस अभी आइडिया मिला है मुझे इंटरनेट से, मजाक कर रही हूँ। लक्ष्मी ने आइडिया दिया है कि दीदी एक काम करो, अपना दोनों सेम शर्टें अपनी साथ साथ लगा लो, क्योंकि हमें पहनना सेम कपड़े होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास सारे कपड़े ऑलमोस्ट सेम है, तो दो व्हाइट शर्ट है तो मैंने एक साथ लगा दी यहाँ पे, और ये वाली शर्ट भी मपा सेम है कांगल, ये भी मैं साथ लगा रही हूँ। तो गाइस आप लोगों को बता है कल बहुत सारी शॉपिंग करके आए हम, जिसमें अरमान जी की भी है, मेरी भी है, बच्चों की भी है, चीकू की भी है। तो अब सारे कपड़े लगाने के लिए ना हमें और वार्डरोब जो है जो खाली करनी पड़ रही है। ठीक है, खाली करनी पड़ रही है, जगह बनानी पड़ रही है सामान रखने के लिए। तो अभी हम अपने बच्चों के लिए बहुत सारे कपड़े निकाल रहे हैं। पर्स रखने की बिल्कुल जगह नहीं मिल रही, सामान रखने की बिल्कुल जगह नहीं मिल रही, चप्पलें ऐसे भरी पड़ी है। मैंने सोचा था मैं इस सर्दी में ये चप्पल पहनूंगी है, अब मुझे याद आया गर्मी के अंदर ये चप्पल पहननी थी। अब ये पिछले सर्दी आई थी तो प्रेगनेंट थी, मैं पहननी पड़ी। इस सर्दी चली गई फिर मैं भूल गई, अब मैं इसको अगली सर्दी में पहनती हूँ, तीसरी सर्दी होगी चप्पल की। तो इतना गंदा बच्चा हो गया ना, इसने आधा घंटा सोया, सिर्फ आधा घंटा। भाई बहन सो रहे हैं और ये उठ गए हैं और उन्हें लग गया बहुत तेज। मैं इसको लेके घूम रही हूँ, किसी और के पास दे रही हूँ ना तो और ज्यादा चिड़चिड़ कर रहे हैं। कहोगे आपको बच्चों के लिए, तो कुछ लोग ऐसे बोलेंगे भाई यूज किया, भाई मैं ऐसे कपड़े जो मैं पहनता भी नहीं हूँ, मैं तो ले तो आता हूँ शॉप में, बाद में पहनता नहीं हूँ। बच्चे गवाह, देखो बच्चे गवाह के टैग में पढ़ रहा हूँ। तो गाइस बहुत बड़ा सीन होगा मेरे साथ, तो क्या ना मेरे कपड़े पहले इसमें अलमारी में आते थे, सारे मेरे ही होते थे, इनको तो मैंने थोड़ी सी दया दे दी थी, कोई बात नहीं, चलो आज सारे कपड़े मेरे निकलवा दिए और अब मेरी सिर्फ दो रो मेरी रहेगी, बाकी सारा कब्जा इन्होंने कर लिया। पता है क्या होता है, वो सामने सामने ना आपको दिख जाएंगे कपड़े क्या पहने अभी। ज्यादा मत बोलो, सारे मेरे थे, खुले खुले टांग रखे थे यहाँ पे, आप आते नहीं थे ढूंढने। आता था भाई, सब आता था, चलो कोई बात नहीं। पर मैंने ना कम से कम ला लो 40% पैंटे निकाल दी, टी शर्ट जो मैं रेगुलर पहनता हूँ ना मैंने वही रखा, बाकी सूरज पूरा थैला भर के ले गया। दिखा भी दो, गोलू को दिया मैंने कई सारी पैंटे मेरी, ये तो मेरे को बिल्कुल फिट आई है, बिल्कुल कपड़ा जैसा है, कपड़ा सॉफ्ट है। देखो ये देखो,
तो गाइस सच में ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने जीन्स पहनी, इतनी सॉफ्ट लग रही है ना। ये देखो रखने जा रहा हूँ मेरे कपड़े, खुद ये बकवास कर रहे सारे नए कपड़े, इस भाई ये बच्चा लेके जा रहे हैं। कल से जब भी चमकदार दिखे ना तो समझ लेना। अच्छा ये टी शर्ट, ये टी शर्ट भी तो हम लोग निकाले थे, वही तो पहन ये लगा लो। बहुत सारे कपड़े ले आता मैं पहन नहीं पाता, तो ये भी मेरी टीम है, मेरी फैमिली है, तो मैं चाहता हूँ ये पहन ले। कुछ लोग ना कमेंट मत करना कि यूज किए कपड़े अपने टीम को दे, तो ये वो फलाना बिगड़ा। तो भाई हमारे छोटे भाई है, टीम नहीं है ये, मेरी पूरी फैमिली। अरे यार हम भी पहन लेते हैं, कोई कपड़ा हमें पसंद आता है किसी का, निक्की का हो गया, लक्ष्य का, मांग के तो नहीं पहन किसी से। तो भाई अचानक से पाल के भाई पेट में दर्द हो गया दोबारा, पथरी वाला, ये हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये दिखा के ना मैं परमानेंट दवाई लेके आ रही हूँ, दवाई के साथ साथ इसका इलाज करा ले भाई। मैं चल रहा हूँ साथ, चलो आप ही चलो, या फिर मैं घर रहता हूँ बच्चे। आप एक बार जरा दे रो, ज़ायद भी रो रहे हैं बार बार ना। मैं तू घर रहे, मैं जाता हूँ। चलो ठीक है ठीक है, मेरा फोन इधर ही है। हाँ हाँ फोन।